कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोसेट से रिगार्डिंग जो आने वाली जो जितनी भी थ्योरम्स हैं उनमें ये ज्यादातर यही वाली प्रॉपर्टीज यूज होंगी ठीक है इनको अच्छे से स्टडी करना है ये प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल हैं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए सो आ, स्टार्ट करें लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एच जो है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है जी एक ग्रुप है एच उसका सब ग्रुप है दो एलिमेंट्स हमने ग्रुप में से उठा लिए हैं ए और बी प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है कि दिस एच ए क्या बनता है दिस इज राइट कोसेट दिस इज इक्वल टू सब ग्रुप एच राइट कोसेट जो है वो एच के इक्वल सब ग्रुप के बराबर कब होगा ठीक है कोई भी राइट कोसेट इफ एंड ओनली इफ अगर ये एलिमेंट ए जो है वो सब ग्रुप का मेंबर हुआ ए कहां से आ रहा था ए आ रहा था ए वॉज कमिंग फ्रॉम द ग्रुप जी अगर ये ए जो है वो सब ग्रुप से आ रहा है देन देर इज नो डिफरेंस बिट्वीन राइट कोसेट एंड सब ग्रुप दोनों सब ग्रुप और राइट को दोनों के दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर ये एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप से ही आ रहा है सो प्रूफ प्रूफ कैसे है कंसिडर इसको हमने कंसिडर करेंगे और ये चीज हम प्रूफ करेंगे सो कंसिडर एच ए इज इक्वल टू एच एच ए क्या है राइट right को सेट इफ एंड ओनली इफ ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल दिस इज एच यहां से एक एलिमेंट आएगा एच वन एच वन एज इक्वल टू एच टू ठीक है एच वन एज इक्वल टू एच टू जहां एच वन जो है वो ए है और एच टू जो है दोनों दोनों एच से आ रहे हैं एच वन और एच टू यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे if and only if, यहां पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे एच ए इज इक्वल टू एच ठीक है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग वो नहीं लिखना है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो इफ and only if हमें लिखना है एच वन इक्वल टू एच टू बी ठीक है दोनों एलिमेंट्स जो हैं जो एच से आ रहे हैं उन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन से डिनोट करना है ठीक है तो एच वन एंड H2 बोथ आर कमिंग फ्रॉम एच सो इफ एंड ओनली इफ क्या करेंगे हम अब यहां पे ए है दोनों तरफ दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई एच वन इनवर्स तो जब हम यहां इसको एच वन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी एच वन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा a, और यहां पे H1 inverse, H2 रहेगा, अब एच टू भी एच टू एच से आ रहा है और एच वन एच वन का है एच वन भी एच से आ रहा है अगर एच वन एच का है और एच जो है वो सब ग्रुप नथिंग बट अ ग्रुप तो उसका इनवर्स भी उसी का होगा, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी एच में ही रहेगा सो इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच ए बिलोंग्स टू एच यही चीज हमें प्रूव करनी थी ए किस में आ गया ए जो है वो एच का मेंबर हो गया बाइकोलॉजियल प्रॉपर्टी तो कन्वर्स पार्ट भी हम कन्वर्सली भी ऐसे ही हो जाएगा देखो ये फॉरवर्ड पार्ट था कन्वर्स आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों इस स्टेटमेंट्स के यहाँ पे लिखे इफ एंड ओन लिफ इफ एन ओन पहले हम ऐसे प्रोसीड करेंगे फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे ठीक है कि अगर ए एच में है तो ए को हम ऐसे ले सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे डन ठीक है तो फॉरवर्ड और कॉन्वर्स यहां पे दोनों प्रूव हो गए हैं ठीक है जब यहां पे मैं यहां पे लेके चल रहा हूं इफ एन ओलिफ इफ एन ओलिफ इफ एन ओलिफ ठीक है सो इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि एच ए जो है वो आ, राइट को जो है वो सब ग्रुप के इक्वल कब होगा जब वो एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप में बिलोंग कर जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एच ए भी राइट को सेट है एच बी भी राइट को सेट है तो दोनों राइट को सेट्स जो हैं अगर इक्वल हैं कब होंगे इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स जो है वो एच का मेंबर हो या फिर ए बी जो एच में बिलोंग कर जाए तो फॉरवर्ड पार्ट के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे और कन्वर्स पार्ट के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे सो so, पहले फॉरवर्ड पार्ट को करते हैं और दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं सो लेट एच ए इज एक टू एच बी तो इफ एंड नॉन इफ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक फॉर सम सो ये क्या है दो राइट right को सेट्स इक्वल कब होंगे जब उन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे कोई भी दो सेट्स जो है वो आपस में इक्वल कब होते हैं जब उन दोनों के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी दो सेट्स जो है वो इक्वल कब होंगे जब उन दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे सो so, ये दोनों राइट को सेट्स हैं ये इक्वल कब होंगे जब इनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे सो so, एलिमेंट्स में हमने लिख दिया एच वन एज इक्टू एच टू बी एच वन और एच टू फोर साम एच वन एच टू देर कमिंग फ्रॉम सब ग्रुप एच और यहां पे क्या करना है दोनों तरफ से बी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पोस्ट इस, मल्टीप्लाई इसको भी बी इनवर्स से इसको भी बी इनवर्स से यहाँ पे हमारे पास होगा एच वन ए बी इनवर्स और यहाँ पे होगा हमारे पास एच टू बी और बी इनवर्स और बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी होगा सो एच टू इज नथिंग बट एच टू दिस इज एच टू अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ एच वन इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी एच वन इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी एच वन इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सो तो इसको जब हम करेंगे तो यहां पे एच वन इन्वर्स और एच वन जो है वो आइडेंटिटी प्रस करके हमें क्या देगा ए बी इनवर्स बिस्तर होगा एच वन इनवर्स और एच टू अब एच वन बी एच में है एच टू भी एच में है तो अगर एच वन एच में है तो एच वन का जो इनवर्स है वो भी सब ग्रुप में रहेगा तो ठीक है तो ये प्रोडक्ट जो है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सब ग्रुप एच में रहेगा तो इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ मेंच ए ज अम्बर ऑफ एच यही चीज हमें प्रूव करनी थी अगर हम तो ये फॉरवर्ड पार्ट हम लेके चलते कन्वर्सली भी ऐसे ही जाएगा कन्वर्स में हम इस चीज को यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो इफ एन ओनली इफ एन ओनली देन इट इज फाइन ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज लेफ्ट कोसेट्स की दो लेफ्ट कोसेट इक्वल कब होंगे इफ एन ओ लिव इफ एन ओलिफ ए इनवर्स बी इज इन एच तो दो लेफ्ट को साइड इक्वल कब होंगे इफ एन ओलिफ ए इनवर्स बी इज अ मेंच दिस इज लेफ्ट एज होमवर्क ठीक है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ऐसे ही इसमें इस भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे ठीक है या या आप लोगों के लिए होमवर्क है इसको आप लोगों को घर पर प्रूव करना है इस वाली प्रॉपर्टी की यह था कि दो राइट को साइड इक्वल कब होंगे इफ एन ओलिफ दिस ए बी इन्वर्स यहाँ का एलिमेंट ए और यहाँ का इनवर्स बी इफ दिस ए बी इनवर्स इज एन एच और दो लेफ्ट को सेट आपस में इक्वल कब होंगे इफ ए नो लिफ ए इनवर्स बी इज अ मेंबर ऑफ एच सो दिस इज लेफ्ट एज होमवर्क